हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 की, यानी जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अच्छे दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सी शाउटेड लाउडली एज सी ए हग स्नैक इन हर होम। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सा, तो सी सा। नेक्स्ट है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर, यानी इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यानी एक लड़की है और एक उसकी मदर है, यानी दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, यानी गिफ्ट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो द डॉटर इज रिसीविंग ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, यानी डॉटर क्या कर रही है, अपनी माता जी से गिफ्ट प्राप्त कर रही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, ए क्लोथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल, यानी जो क्लोथ कपड़े की जो दुकान होती है वहाँ पर क्या सेल नहीं होता, शर्ट होती है, साड़ी होती है, टेक्स्ट बुक टी शर्ट होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है, टिक राइट द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू द कंप्लीट सेंटेंसेज। द इश्यू वॉज द प्रीति ऑलवेज पुट इन डेंजर। प्रीति है तो प्रीति के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हर, तो यहाँ लिखना है अपने को हर सेल्फ। नेक्स्ट है, राइट 5 सेंटेंसेज ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे देर इज ए ट्री नियर द हाउस, यानी घर के पास पेड़ है। देर इज ए हाउस इन द पिक्चर, यानी इस घर में हाउस दिखाई दे रहा है। ए बॉय इज प्लेइंग विद बलून्स, एक लड़का है वो बलून से खेल रहा है। ए बॉय इज रनिंग आउट ऑफ द हाउस, एक लड़का अपने घर से बाहर दौड़ रहा है। देर इज स्विंग आउटसाइड द हाउस, और बाहर क्या लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको 5 सेंटेंसेज बनाने हैं। नेक्स्ट है, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इन द हार्ट ऑफ ए सीड बुरिड डीप ए सो डीप ए टीनी प्लांट ले फास्ट अस्लीप वॉक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट द लिटिल प्लांट हियर एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। ये एक पोइम है, यानी एक बीज के बारे में बताया गया, यानी जिसको क्या किया जाता है, यानी ब्रूड किया जाता है, यानी नीचे गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर, फिर वो क्या करता है, यानी वोकअप उठता है और बीज बनकर यानी पौधा बनकर बाहर निकलता है। तो इस तरीके से अब इनके देखते हैं अपन क्वेश्चन। व्हाट गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, तो ए सीड गिव्स बर्थ टू ए प्लांट, यानी उसके अंदर से यानी क्या पैदा होता है, यानी जन्म कैसे, जैसे पौधे प्लांट का है वो कैसे होगा। तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक बीज डालेंगे, ए सीड गिव्स बर्थ टू ए प्लांट। नेक्स्ट है, व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो, यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए यानी किसकी आवश्यकता होती है, यानी क्या उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो रेन ड्रॉप्स हेल्प ए प्लांट ग्रो, यानी जो रेन ड्रॉप्स होती है, जो बारिश की बूंदे होती है, उसमें क्या करती है, सहायता करती है। व्हाट डज द वर्ड टीनी मीन, यानी टीनी का अर्थ क्या है, स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।